तो ये रही अलवर जिले की आज की महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स। किशनगढ़वास, खैरथल, राजगढ़, खेड़ली नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद पर भाजपा ने बाजी मार ली है। कहा जा रहा है पूर्व विधायक रामेत यादव ने खैरथल और किशनगढ़वास में भाजपा का चेयरमैन चुने जाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशनगढ़वास में भाजपा की तरफ से तारामणि सिंघल और खैरथल से हरीश रोधा और राजगढ़ से सतीश दुवारिया चेयरमैन बने हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो कर दो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। भिवाड़ी टपुकड़ा क्षेत्र में आज बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है बिजली चोरों के ऊपर। तो बिजली विभाग फिलहाल चोरों को पकड़ने के लिए बहुत एक्टिव है, सावधान रहें। कोटकासिम पुलिस थाने के थोड़ा सा आगे स्थित शराब ठेके पर रात को कुछ लोगों ने शटर तोड़कर लाखों रुपए की दारू चोरी कर ली। ठेकेदार कुलदीप सनोप सुमेर सिंह ने बताया कि रात को चोर उनके ठेके का ताला तोड़कर 30 लाख रुपयों की शराब लेकर चले गए। उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। अलवर में सरकार द्वारा अवकाश घोषित होने के बावजूद एक मार्शल आर्ट्स स्कूल खुला हुआ था। तहसीलदार ने वहां जाकर कार्रवाई की और इस मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस एकेडमी के ऊपर 2100 रुपए का जुर्माना लगा दिया है और उसको सीलबंद कर दिया है। अलवर पुलिस ने पीएम मोदी के हस्ताक्षर शुदा नियुक्ति पत्र को दिखाकर एक युवक द्वारा लड़की पक्ष के लोगों को झूठ बोलकर शादी करने के मामले में उस युवक को गिरफ्तार किया है। 8 मई 2020 को एक युवक ने खुद को सहायक निर्देशक पीएमओ ऑफिस में नियुक्त बताया और अपना नियुक्ति लेटर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरशुदा दिखाया। यह युवक अमित कुमार है, यह नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते इसको गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के जलपुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसान साक्षरता यात्रा की शुरुआत की है। अलवर पुलिस ने नकली ईंट को असली बताकर बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। किशनगढ़वास निवासी सोनू सनू भीम सिंह अलवर में किसी को सोने की ईंट बताकर पीतल की ईंट बेचने के लिए आया हुआ था। पुलिस को मुखबिर द्वारा जानकारी मिलने पर इसको पकड़ लिया और इसका साथी भाग गया। नीमराणा के नाइस राणा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक लेक्चरर ने छात्राओं के साथ अवैध संबंध बनाए और कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। प्रशासन को इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस लेक्चरर का नाम देव प्रकाश यादव है और यह गंडाला निवासी है। इसको पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और अलवर कोर्ट में पेश कर दिया है। कथित तौर पर इस टीचर ने कई छात्राओं के साथ अवैध संबंध स्थापित किए हैं। तो मिलते हैं कल, आज बस इतना ही। नमस्ते।